फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट प्लीज़ टेक ए पेन एंड ए पेपर इन योर हैंड एंड नोट डाउन द थिंग्स विच आई टोल्ड यू, और जस्ट सेव द नोट्स बाई टेकिंग स्क्रीन शॉट्स। सो टूडेज आवर टॉपिक इज लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ पैक्टिनोफोरा गोसिपेला, इसको दूसरा नाम है प्लैटीडेरा। तो लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पूरी लाइफ साइकिल का पीरियड क्या होता है, कि एग से अडल्ट बनता कैसे है। तो इसमें पूरा लाइफ टाइम इसका होता है 22 से लेके 22 to 77 days। समर के अंदर ये टाइम पीरियड थोड़ा कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इन 50 days। विंटर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली इन 80 days। सो विंटर्स को बोलते हैं लॉन्ग लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें लंबे टाइम तक ये टाइम पीरियड ये अपना लाइफ चलती है। पर समर्स के अंदर काफ़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद आ जाता है कि लाइफ साइकिल क्या क्या इन्वॉल्व करती है। एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा अडल्ट। तो हम एक एक करके फीचर्स देखते हैं कि लाइफ साइकिल के अंदर एग ने क्या किया, कैटरपिलर ने क्या किया, एंड मतलब क्या किया कह रही हूँ सॉरी कैसे बना और प्यूपा कैसे बना। तो सबसे पहले अपना क्या आता है कि फीमेल लेज एग, एग कितने ले किए, नंबर ऑफ एग कि 2 to 10 एग ऑन ऑल पार्ट ऑफ कॉटन, और ओवरऑल ए सिंगल फीमेल लेज 300 एग्स ऑन दी कॉटन प्लांट। हम यहाँ पे एग्जांपल कॉटन प्लांट का लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपनी पेस्ट हैं कॉटन्स की। सो अपीयरेंस ऑफ एग कि एग कैसा अपीयर होता है, एग होता है वाइट होता है, इलोंगेटेड होता है, फ्लैट होता है, ये ब्राउन कलर का में चेंज होना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, मतलब टर्न्स ब्राउन ग्रेजुअली। और एग की अपनी डायमीटर कितनी होती है कि 0.35 mm तो लॉन्ग होता है और 0.26 ये वाइड होता है। हम अगर थोड़ा बहुत भी इनको चेंज कर देंगे कि 0.34 या फिर 0.26 की जगह 0.30 कर दे, तो अपना ये गलत हो जाएगा। इसमें जो एग्जैक्ट डाटा है, हमें ये एग्जैक्ट डाटा ही याद रखना पड़ता है, इसलिए जस्ट 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ईजिली हो जाएगा। फिर आता है अपना इनक्यूबेशन टाइम कि ये कितना इनका इनक्यूबेशन टाइम क्या रहता है, कि एग से अपना जो ये कैटरपिलर है ये कैसे कितने टाइम में बनता है। तो इनक्यूबेशन टाइम सबसे पहले बना तो 4 to 23 days के अंदर इनक्यूबेशन होता है। इसके अंदर इनक्यूबेशन में क्या आएगा, आफ्टर इनक्यूबेशन एग हैचेज इनटू द पेल येलो कैटरपिलर। एग हैच करेगा, इनक्यूबेट होके अपने कैटरपिलर बना देगा। तो अब कैटरपिलर बन गया, कैटरपिलर की अपीयरेंस कैसी है, अपना कैटरपिलर होता है डार्क कलर का, इसका डार्क हेड होता है, इसका जो प्रोथोरेक्स होता है वो ग्रेइश कलर का होता है। तो अब एक्टिविटी ऑफ कैटरपिलर की कैटरपिलर क्या क्या एक्टिविटी शो करता है, तो कैटरपिलर क्या करेगा, बोर्स इनटू बॉल शूट बर्ड्स एंड फ्लावर ग्रोज अप टू लेंथ ऑफ 15 mm एंड ग्रोज फॉर 10 to 30 days एंड टर्न इनटू पिंक। तो अपना क्या हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और ये किस में बोर करता है, अपनी जो शूट्स हैं और अपनी जो बर्ड्स हैं उनके अंदर ये कैटरपिलर बोर होना स्टार्ट हो जाएगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो हमने टाइम पीरियड है इसका 22 से 27 दिन। एग से कैटरपिलर, कैटर से प्यूपा अडल्ट, फीमेल एग करेगी 300 ये कितने कैसे होते हैं, वाइट फ्लैट और 0.35 लॉन्ग 0.26 वाइड, 4 to 23 days में इंक्यूबेट होते हैं, बना देते हैं कैटरपिलर। अब आगे क्या होता है हम वो देखते हैं। आगे इसमें होता है अब कैटरपिलर क्या करेगा, प्यूपा में कन्वर्ट करेगा। प्यूपा में कैसे कन्वर्ट होता है, जो अपना कॉटन में जो सिल्क की पार्ट है द सिल्कन कुकुन, उससे कन्वर्ट हो जाएगा ये प्यूपा के अंदर। प्यूपा में कितनी देर तक रहता है, लास्ट फॉर 7 to 20 days। मैक्सिमम प्यूपेशन रहती है मानसून के टाइम, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अडल्ट कम आउट जुलाई एंड अगस्त, और वो क्या होते हैं 6 से 6 mm लॉन्ग रहते हैं और 2.6 mm वाइड रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपनी प्यूपेशन रहेगी मानसून में, ये अपना यहाँ पे मेन पॉइंट है। फिर अडल्ट क्या करेगा, हैच हो गया, प्यूपा क्या करेगा, अडल्ट में बन गया, अडल्ट हैच आउट फ्रॉम प्यूपा। तो अडल्ट ब्रीड किस टाइम पीरियड में करता है, कॉटन का जो हम पढ़ रहे हैं ये प्लैटीडेरा गोसिपेला, ये
किस में होता है, अप्रैल से नवंबर में ये ब्रीडिंग शो करेगा। तो ब्रीडिंग शो करेगा तो इसमें कितनी जनरेशन हम रिकॉर्ड करते हैं एक साल के अंदर, 4 से लेके 6 जनरेशन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अपने थे बेसिक स्टेप्स की लाइफ साइकिल के अंदर होता क्या है और कैसे प्रोसेसेस होती है, हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फीमेल प्लेटिडेरा गोसिपिला लेज करेगी एग लगभग 300। ये मैंने बनाया है एग, एग जो यहाँ पे हमने डिपॉजिट कर दिया है एक पोटैटो ट्यूबर पे। ये एग क्या करेगा, 4 से 23 दिन के बाद इनक्यूबेट होना स्टार्ट करेगा, इनक्यूबेट होके हैच हो जाएगा कैटरपिलर के अंदर। ये मैंने बनाया है अपना कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करेगा, ग्रोस फॉर 10 to 30 days और प्यूपेट हो जाएगा सिल्की कुकून के अंदर एक प्यूपा में। ये मैंने बनाया है प्यूपा का स्ट्रक्चर। प्यूपा क्या करेगा, 7 से 20 दिन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट। ये मैंने बनाया है अडल्ट का स्ट्रक्चर। अडल्ट क्या करेगा, प्लांट्स को इन्फेस्ट करेगा, एग रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा, तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी और ये पूरी साइकिल होने में लगता है टाइम 22 to 77 days। और इसके अंदर जनरेशन हम कितनी रिकॉर्ड कर लेते हैं, 4 to 6 जनरेशन इन 1 ईयर। सो दिस इज द साइकिल ऑफ प्लेटिडेरा गोसिपिला। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल ऑफ प्लेटिडेरा गोसिपिला, कि हम इनको कंट्रोल कैसे करें, इनकी पेस्ट को अवॉइड कैसे करें। तो सबसे पहले पेस्ट कैन बी कंट्रोल बिफोर कैटरपिलर स्टेज, कि जो ये प्लेटिडेरा गोसिपिला की जो पेस्ट है इसको हम कैटरपिलर की स्टेज तक या उससे पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में इसका कोई ज़्यादा खास कंट्रोल नहीं होता। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अवॉइड रेटून मेथड एज यूजल, की जो कॉटन के आसपास हैं ग्राम वगैरह की क्रॉप हमें नहीं लगानी। अल्टरनेट होस्ट इन विसिनिटी, फिर उसके बाद आ जाता है प्रॉपर प्लोगिंग ऑफ द फील्ड सो दैट हाइबरनेटिंग लार्वा शुड बी किल्ड, की जब हम फसल उगाएं अपनी खेत को अच्छे से प्लॉट कर ले कि भी मिट्टी के अंदर कोई भी लार्वा है वो पहले ही मर जाए। कलेक्ट एंड बर्न दी फॉलन लीव्स और बर्ड, कि अपने आसपास जितनी भी ये जो हैं डैमेज लीफ या फिर जो भी हैं उनको उठाओ और उनको बर्न करो। रेजिस्टेंस वेराइटी ग्रो करो और स्प्रे करो 2.5 लीटर ऑफ एंडोसल्फिन, 250 से 300 ml फोस्फिनोन और 1.61 लीटर ऑफ एंड्रीन। तो ये अपने कुछ तरीके हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं प्लेटिडेरा गोसिपिला की पेस्ट। ये मैंने थोड़ा इजी तरीका लिख दिया कि इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमारे याद भी रह जाएगा और अच्छे मार्क्स भी हम ले पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन बटन फॉर माई लेटेस्ट अपडेट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।